हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आंसर राइटिंग चल रहा है यूपीएससी मेंस 2022 का GS1, जिसमें GS1 के लगभग छः क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये 7वां क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। मतलब सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण बताना है और पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले तो ये बताएंगे। तो ये इंट्रो में लिखेंगे हम। तो पवन ऊर्जा वायु की तेज तेज वायु के माध्यम से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ये डेफिनेशन है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए खुले स्थानों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और फिर इसे टरबाइन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर क्या होता है, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना के बारे में पूछा है, तो वे बताएंगे हम। भारत में लगभग 60 GW पवन ऊर्जा की क्षमता है। यह संभावना है कि यह क्षमता काफी बढ़ जाएगी क्योंकि समय की क्षमता वाले कुछ पुराने पवन ऊर्जा स्टेशनों के साथ बहुत कम को उच्च क्षमता वाले पवन टर्बाइनों से बदला जा रहा है। मतलब रिपेयरिंग हो रही, पुराने को रिप्लेस किया जा रहा है। एक और अनन्वेषित मतलब अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र महासागरों में स्थित है। दुनिया भर में इस क्षेत्र में अन्वेषण प्रारंभिक अवस्था में है। भारत के पूर्वी हिस्से में सारे चक्रवात हैं जो तट से टकराते हैं। और बात करें तो भारत लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला देश है। इसके सभी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर भी है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान मतलब चेन्नई में स्थित है, द्वारा यह पाया गया कि पश्चिमी राज्यों में वायु के निरंतर तीव्र प्रवाह के कारण बड़ी संभावनाएं विद्यमान है। वर्ष 2022 में तमिलनाडु सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादक में से एक है। वहीं बात करें तो पवन ऊर्जा के सीमित स्थानिक प्रसार के कारण क्या हैं? पवन ऊर्जा स्रोतों को कम लागत वाले ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। पवन ऊर्जा परियोजना तथा स्थानीय वन्य जीवों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक पवन परियोजना को सार्वजनिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है यदि इसे स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि पर कब्जा किया जा रहा हो तो। और दूसरी बात यह है, अनुसंधान एक विकास करने के लिए बुनियादी और संस्थाओं की कमी होती है, ये सीमित प्रसार है। तो ये रहा आंसर, ज्यादा इसमें कुछ बताना नहीं क्योंकि 150 वर्ड में लिखना है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण करना है और सीमित क्षेत्र के विस्तार के बारे में बताना है। तो आपने पवन ऊर्जा बताया, पवन ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में बताया और उनके सीमित प्रसार के कारण क्या है। तो इस तरह से बताते हुए आप लिख सकते हो, थोड़ा कंक्लूजन डाल सकते हो कि हाँ इस तरह से क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और ये यूजफुल होगा। तो बाकी कैसा लगा आपको आंसर, मॉडल आंसर बताइएगा जरूर। और बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं उसको भी देखिए, मतलब क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह बहुत सारे स्टडी मटेरियल, तो उनको देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।